जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत राहौद में 77 लाख के धान का गबन हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मंडी प्रभारी रामायण यादव एवं सहयोगी का साठ गांठ भी बताया जा रहा है। जिला जांजगीर चांपा चक धारा 420 409 34 अपराध कायम कर लिया गया। नगर पंचायत राहौद धान खरीदी केंद्र पंजीयन क्रमांक 376 आरोपी रामायण यादव पिता द्वारका यादव प्रभारी धान खरीदी केंद्र राहौद एवं सहयोगी कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी अश्विनी कुमार साहू पर्यवेक्षक जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा पामगढ़ के द्वारा थाना उपस्थित आकर श्रीमान अनुविभागीय अधिराजेश पामगढ़ के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि धान खरीदी केंद्र राहौद के प्रभारी रामायण यादव व उसके सहयोगी के द्वारा वर्ष 2021-22 में धान स्कंद विश्वासन को धोखाधड़ी कर 70,71,000 रुपए का धान एवं 6,71,494 रुपए का वारदाना जुमला कीमत 77,12,494 रुपया गबन किया। रिपोर्ट पर थाना सिवरी नारायण में अपराध क्रमांक 121/2022 धारा 420 409 34 भादवी का प्रथम दृष्टिया में पाए जाने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉक्टर अभिषेक पल्लव अति पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर चांपा को घटना के बारे में अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अपराध कायम कर विवेचना में ले लिया गया। टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो चीफ मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। ये धान खरीद केंद्र राहौद केंद्र प्रभारी के खिलाफ SDM पामगढ़ के द्वारा जांच प्रदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रदन में इस बात का उल्लेख है कि धान खरीद केंद्र राहौद केंद्र प्रभारी के द्वारा करीब 2800 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और कुछ बारदानों की भी कमी जांच के दौरान उनको जांच करता अधिकारियों को प्राप्त हुई है। इस संबंध में करीब 70 लाख रुपया धान की कमी एवं करीब 6,71,000 रुपये ये बारदाने की कमी कुल मिला के 70 लाख रुपये का शासकीय पैसे का धोखाधड़ी कर गबन करना जांच में प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन SDM और कलेक्टर के माध्यम से थाने को प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में आरोपी रामायण यादव के विरुद्ध 420/409 और धारा 34 IPC के तहत FIR किया गया है। अन्य साथियों का भी उसमें संभावना व्यक्त किया गया है, तो धारा 34 लगाई गई है और इसकी विवेचना की जा रही है। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी तो कल ही FIR हुआ है, जांच प्रतिवेदन मिला हुआ है, इसमें कुछ और बिंदुओं पर जांच करनी है और जांच पश्चात जो है उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।